हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। जो भी आपके मित्र से भी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएँ, आपके सुझाव सादर आमंत्रित। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ईस्ट रेलवे कॉलोनी भोपाल, ये भोपाल बोर्ड की ऑफिशियल साइट है। तो फ्रेंड, देखते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज बनी है यहाँ पे। फ्रेंड, जैसा कि ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस जो है निकाल दिया गया है, जिससे कि आप अपना चेक कर सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड में अप्लाई किए हैं तो फ्रेंड्स देखेंगे कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी बोर्ड का, और जो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, अलॉट ऑफ कैंडिडेट का जो है रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू इनवैलिड फोटो सिग्नेचर या मेनी रीजंस। हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सारे क्यूरी देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ। जो भी आपके मित्र सभी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके और अपने क्यूरी को सॉल्व। न्यूज एंड अपडेट, ये नोटिफिकेशन नंबर है एडवर्टीजमेंट का, CEN RRC 2019 में जो ग्रुप डी का निकला हुआ था, देख सकते हैं 24 जुलाई की अपडेट है ये। क्लिक हियर टू नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, क्लिक हियर टू लॉग इन टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो फ्रेंड्स क्लिक करके देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट लिंक पे आपको कुछ नहीं ओपन हो रहा है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, जिसमें आप अपना ग्रुप डी का है जो स्टेटस देख सकते हैं। आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया या सिलेक्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जैसे हमने क्लिक किया ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये नोटिफिकेशन नंबर है। सिलेक्ट RRC, आप इसमें अप्लाई किए हैं, इसमें आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई, हाजीपुर, अलाहाबाद, जयपुर, चेन्नई, गोरखपुर, सिकंदराबाद, हुबली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, जबलपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, कोलकाता। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी बोर्ड में अप्लाई किए हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेसिंग देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या हो रहा है। सपोज डेट फ्रेंड्स, हमने हाजीपुर सेलेक्ट किया तो इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे हमने क्लिक किया देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो चुका है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी और वेट भूल गए हैं तो भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, और आपको अगर याद है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, और जो सिक्योरिटी कोड दिया है यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है दिखा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना चेक कर सकते हैं इस तरह ग्रुप डी का जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो फ्रेंड देखते हैं इस पर क्या क्या प्रोसेस मांग रहा है। ये पेज ओपन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ये आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम से आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो अलॉट ऑफ कैंडिडेट का जो रिजेक्ट किया गया है
ड्यू टू मैनी रीजन, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे नोटिफिकेशन आया है, क्या मेल आया है, इस सारी बातें देखेंगे। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट का मैसेज आया है किस इस पर वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बना रहा हूँ, जिसका रिसिप्ट भेजा गया मुझे मेल द्वारा। तो किसी कैंडिडेट का रिक्वेस्ट था तो उनका जो है बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अलॉट ऑफ कैंडिडेट का प्रॉब्लम है, सारे कैंडिडेट का सल्व हो जाएगा इस क्यूरी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या क्यूरी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमेंट करते हैं जो भी क्यूरी है, जिससे कि आपके क्यूरी को सॉल्व किया जाता है फ्रेंड्स। इसी तरह तो फ्रेंड्स कोई भी क्यूरी हो बेहिचक आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आपके क्यूरी को सॉल्व किया जाए। हमारी कोशिश रहती है कि विथ ऑफिशियल न्यूज के साथ 100% सेटिस्फेक्शन दिया जाए आपको, कोई भी रॉन्गली न्यूज नहीं। तो फ्रेंड चलते हैं, दिखाते हैं उनके ईमेल का जो मैसेज उन्हें प्राप्त हुआ है उनका। अगर आपकी भी कोई क्यूरी हो जो कि इस तरह है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस पेज पर हम पहुंच चुके हैं जो मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं CEN RRC 1/2019 जो निकला हुआ था रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन स्टेटस फॉर CEN एडवर्टीजमेंट नंबर ये दिया है, आप देख सकते हैं ऐसे। अगर आपने अपना चेक करना है तो आप अपने ईमेल पर चेक कर सकते हैं फ्रेंड, आपको रेलवे द्वारा दिया गया होगा ये नोटिफिकेशन। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स किसी कैंडिडेट का आया है, देख सकते हैं जो मैसेज आया था उनके पास वो उसका जो शॉर्ट भेजे हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड उनका क्या क्यूरी था। डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन फॉर CEN RRC 1/2019 हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटोग्राफ, प्लीज़ विजिट रिस्पेक्टिव RRB वेबसाइट, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसमें ये बातें कही गई है कि प्रिय छात्र जो है आपका एप्लीकेशन जो आपने फिलअप किया था वो रिजेक्ट किया गया है इनवैलिड फ़ोटो के कारण। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जिस भी आप बोर्ड में अप्लाई किए हैं उस बोर्ड के ऑफिशियल साइट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस यही सारी बातें थी। तो फ्रेंड्स आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का क्या है, सिलेक्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। सिलेक्ट कर दिया गया है तो फ्रेंड्स सही है, अगर रिजेक्ट किया गया है जैसे कि लॉट ऑफ कैंडिडेट मैक्सिमम 1 लाख से अबव रिजेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू फोटो सिग्नेचर या मेनी रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके क्यूरी को कैसे सॉल्व किया जाए हम बता रहे हैं आपको, अगर ऐसा करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और जो मेल आईडी दिया है वहाँ पे मेल करेंगे। मेल कैसे लिखना है फ्रेंड दिखा रहे हैं हम आपको कि इस तरह आप अगर यूज करेंगे तो मे भी चांस हो सकता है। तो फ्रेंड चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे मेल करना है। आप जिस भी बोर्ड में अप्लाई किए हैं उस बोर्ड के ऑफिशियल साइट में जाके मेल करेंगे, या जो आपको मेल आया है वहाँ से आप एक रिप्लाई ऑप्शन आता है वहाँ पे रिप्लाई में आप इसको सेंड कर देंगे मैसेज को टाइप करके अपने सारे क्यूरी को लिख कर, जिससे कि आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए और आप इससे एग्ज़ाम को दे सके
तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं कैसे लिखना है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये पहुंच चुके हैं, जो आपको मैसेज करना है इसी तरह आपको करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हेडिंग में आपको देना है फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी आप, ठीक है फ्रेंड्स कर सकते हैं, सर या मैडम लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे आई, जो भी आपका नेम है वहाँ पे लिखेंगे, सन ऑफ जो फादर्स नेम है वहाँ पे लिखेंगे, अप्लाइड माई फॉर्म इन RRC ये आप CEN 1219 अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, दिस ईयर बट नाउ व्हेन आई चेक द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन आई फाउंड इट रिजेक्टेड, देन आई एम शॉक इन माई ओपिनियन माई एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल ओके, माई फोटो सिग्नेचर या जो भी आपका जिस कारण रिजेक्ट हुआ है फ्रेंड लिख सकते हैं, ऑल ओके एंड गुड, देयर इज नो मिस्टेक इन माई पिक्चर सिग्नेचर मेनी मोर साइन, सो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज रिव्यू माई एप्लीकेशन अगेन एंड एक्सेप्ट ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ ग्रुप डी, इट विल हेल्प फॉर मी, थैंक्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे, सन ऑफ लिखेंगे, एट लिखेंगे किस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, सन ऑफ लिखेंगे, जो आपका एड्रेस है होल एड्रेस लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, नियरेस्ट जो भी है अपना लिखेंगे, रेलवे स्टेशन वगैरह। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन ID देंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे, ग्रुप डी आप किस जोन के हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके, और इस तरह फ्रेंड्स आप जो रिप्लाई ऑप्शन है वहाँ पे टाइप करके सेंड करेंगे, या रिस्पेक्टिव जो भी बोर्ड है जिसमें आप फिलअप किए हैं, जहाँ से रिजेक्ट किया गया है उस बोर्ड में आप ईमेल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक बार फिर से आप देख सकते हैं कैसे आपको करना है। तो फ्रेंड्स ये कर सकते हैं, इसके साथ ही आप ट्वीट कर सकते हैं जो भी हैं, @PrimeMinister नरेंद्र मोदी, इसके बाद @ जो भी है रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल जो भी। ठीक है फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिव बोर्ड जितने भी हैं उनको टैग कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करें रेलवे डिपार्टमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, ऑफिशियल जो बोर्ड है उसको मेल करें अपने क्यूरी के साथ विथ ऑल डिटेल्स, जिससे कि सॉल्व हो सके। तो फ्रेंड्स अभी कोई क्यूरी हो तो हमें ज़रूर बताएं, आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह जो भी आपके मित्र से के फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जैसे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। फ्रेंड जो भी आप मेल करें उसमें मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, उसके लिए फ्रेंड्स पूर्व में जो सूचनाएँ निकली हुई थी हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, कि कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ईमेल पत्राचार से संबंधित आवश्यक सूचना, आपसे विनम्र निवेदन है कि RRB भोपाल, ये भोपाल बोर्ड द्वारा निकाला गया था उस समय, को कोई भी ईमेल पत्र भेजते समय निम्न निर्देशों का पालन करना है आवश्यक है। फर्स्ट कृपया नाम
पिता का नाम CEN, जो आपका फ्रेंड था CEN 01 2019 करके था, ठीक है फ्रेंड्स। क्रमांक आवेदित RRB, जन्म तिथि रजिस्ट्रेशन क्रमांक आवेदित पदों का विवरण अवश्य दे, ठीक है फ्रेंड्स। वेबसाइट ये RRB BPL NIC.in, ये भोपाल की है। जिस भी बोर्ड में आप कर रहे हैं फ्रेंड, उसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो पर संपूर्ण CEN नोटिस को पढ़ने के बाद केवल वास्तविक स्पेसिफिक जानकारी हेतु ही मेल करें जो नेसेसरी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, जो जानकारी चाहते हैं उनका शालीन एवं मर्यादित भाषा में संक्षिप्त विवरण दे, और मर्यादित भाषा होने पर विधिक एवं पुलिस कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें जिससे कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मर्यादित भाषा का प्रयोग और संक्षिप्त रूप में दे जो अभी की क्यूरी हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, ऐसी नहीं है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ऐसा पाया गया तो। रिजल्ट कब आएगा, परीक्षा कब होगी आदि सामान्य जानकारी वेबसाइट पर सभी के लिए सुलभ कराई जाती है। इस संबंध में काल्पनिक परिस्थितियां बनाकर व्यक्तिगत समस्या का मेल कृपया न करें, ठीक है फ्रेंड्स। जो बेसिक हो, जो इम्पोर्टेंट हो, वही आप जानकारी प्राप्त करें संक्षिप्त में मर्यादित भाषा का यूज करके। उपयुक्त RRB क्रमांक 1 से 4 तक किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर अथवा RRB भोपाल से संबंध न होने पर मेल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस भी आप बोर्ड में अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस बोर्ड में का नहीं है तो आपके सॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। ज़रूरी है कि अगर आपका मुंबई का है और भोपाल में मेल किए हैं तो सॉल्व नहीं किया जाएगा, भोपाल का है मुंबई में कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यही सारी बातें हैं। ये रूल एंड रेगुलेशन सभी के लिए है और हर एक बोर्ड में फ्रेंड्स ऐसा ही किया जाता है। देख सकते हैं ये पूर्व में निकला हुआ था 9 अप्रैल 2019 को नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। रिप्लाई जो आप करेंगे उसके थ्रू, मेल का जो आया है रिप्लाई या मेल, तो उसमें ये शालीनता मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे रिस्पेक्टिव बोर्ड में संक्षिप्त में क्यूरी लिखकर, ठीक है फ्रेंड्स। आपके क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा इस तरह डिपार्टमेंट द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके, इस सूचना से अवगत हो सके। फ्रेंड्स, आप अपना प्यार यू ही बनाए रखें। फ्रेंड्स, आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है जिससे कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट ऑफिशियली प्रोवाइड करा सके, कोई भी रॉन्गली न्यूज़ नहीं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स। हैव एनी क्यूरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स का, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अभी कोई इससे रिलेटेड क्यूरी हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से जिससे कि आपके कमेंट को सॉल्व किया जाएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स, हैव एनी क्यूरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।